दिस इज अबाउट आर्टिकल 370. आर्टिकल 370 तो पता होगा. व्हाट इज आर्टिकल 370? इट हैज बीन स्क्रैप्ड. हाँ, व्हाट वाज दैट फॉर आर्टिकल 370? वाज फॉर स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. अब ये क्वेश्चन हमेशा आता है, इज जम्मू एंड कश्मीर द ओनली स्टेट इन इंडिया व्हिच हैज स्पेशल स्टेटस? आर्टिकल 370, आर्टिकल 371 क्या है वो देखा है कभी? आर्टिकल 371 आल्सो स्पीक्स ऑफ स्पेशल स्टेटस फॉर सम अदर स्टेट्स आल्सो. सम रीजंस इन महाराष्ट्र, गुजरात और अदर स्टेट्स में भी है, पर ये सब लिस्ट ऑफ स्टेट्स है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी है, वहां पे स्पेशल स्टेटस दिया गया है स्टेट्स को. वो आर्टिकल 371 ए बी सी डी कभी कॉन्स्टिट्यूशन खोल के देखोगे तो मिलेगा, या क्वालिटी लक्ष्मीकांत खोल के भी देखोगे तो स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का नेक्स्ट चैप्टर यही होगा, स्पेशल स्टेटस फॉर अदर स्टेट्स. सो देयर आर अदर स्टेट्स आल्सो व्हिच हैव बीन गिवन स्पेशल स्टेटस इन द सेंस कि व्हाट हैपेंस यू नो व्हेनेवर अ लॉ वाज मेड बाय द गवर्नमेंट इट वाज सेड दैट इट वुड नॉट अप्लाई टू जम्मू एंड कश्मीर अनलेस जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेचर अप्रूव्स ऑफ इट. सो जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन गिवन स्पेशल स्टेटस. जम्मू एंड कश्मीर में यू कैन नॉट बाय, बिफोर व्हेन आर्टिकल 370 वाज इन प्लेस, यू कुड नॉट बाय लैंड इफ यू आर नॉट अ सिटीजन ऑफ दैट स्टेट. इट हैड इट्स ओन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन भी उनका, स्टेट फ्लैग वगैरह, तो वो स्टेट का स्पेशल रिकॉग्निशन था, स्टेट सिटीजनशिप ऐसे. तो ये था बिफोर आर्टिकल 370. नाउ दे हैव स्क्रैप्ड इट, दे इवन टुक द स्टेटहुड अवे फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू यूनियन. तो ये आर्टिकल 370 है, कुछ भी कुछ भी प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में उसको चेंज किया जा सकता है कि नहीं? Can amend the constitution. We have already discussed this. Our constitution can be amended. So can Article 370 be amended? Can Article 370 में क्या provision है? ये भी provision है. जम्मू एंड कश्मीर constituent assembly था. जब जम्मू एंड कश्मीर became integrated with India, Article of Accession signed by it became integrated with India. India में वो महाराजा जो थे हरी सिंह, उन्होंने बोला था कि स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर. दीज वर द कंडीशंस ऑन द बेसिस ऑफ विच जम्मू एंड कश्मीर गॉट इंटीग्रेटेड इनटू इंडिया. तो हमने स्पेशल स्टेटस दिया, और स्पेशल स्टेटस देने के साथ साथ हमने ये भी बोला कि रिवोक कैसे कर सकते स्पेशल स्टेटस. तो हाउ वाज इट डन? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसने जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वो हटा सकता है स्पेशल स्टेटस. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम क्या होता है तुमको पता है? क्या काम होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? क्या काम होता है? मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, उसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, बन गया, उसके बाद क्या हुआ? इज इट अ परमानेंट बॉडी? इज इट लाइक लेजिस्लेचर? इज इट लाइक द जुडिशियरी? इज इट लाइक सम कमीशन? नो, काम खत्म, डिसॉल्व. अब रिवोक करने के लिए सेंटर कैन रिवोक, प्रेसिडेंट कैन रिवोक, बट प्रोवाइडेड इट गेट्स अप्रूवल फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ही नहीं, दैट इज द इशू. आर्टिकल 370 में क्या प्रोविजन है कि उसमें ये भी है कि स्पेशल स्टेटस जब जम्मू एंड कश्मीर को दिया गया तो इसको हटा कैसे सकते, वो भी प्रोविजन है. व्हाट इज द, व्हाट इज बीन डिस्कस्ड, व्हाट इज इन न्यूज इज दैट स्पेशल स्टेटस हैज बीन गिवन टू जम्मू. इन द सेंस कि व्हाट हैपेंस यू नो व्हेनेवर अ लॉ वाज मेड बाय द गवर्नमेंट इट वाज सेड दैट इट वुड नॉट अप्लाई टू जम्मू एंड कश्मीर अनलेस जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेचर अप्रूव्स ऑफ इट. तो जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन गिवन स्पेशल स्टेटस. जम्मू एंड कश्मीर में यू कैन नॉट बाय, बिफोर व्हेन आर्टिकल 370 वाज इन प्लेस, यू कुड नॉट बाय लैंड इफ यू आर नॉट अ सिटीजन ऑफ दैट स्टेट. इट हैड इट्स ओन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन भी है उनका, स्टेट फ्लैग वगैरह, तो वो स्टेट का स्पेशल रिकॉग्निशन था, स्टेट सिटीजनशिप ऐसे. तो ये था बिफोर आर्टिकल 370, नाउ दे हैव स्क्रैप्ड है. तो इन दिस केस नाउ यू कैन सी सुप्रीम कोर्ट हैज रेज्ड क्वेश्चन वेदर प्रेसिडेंट हैज द पावर टू मेक आर्टिकल 370 इनऑपरेटिव, बिकॉज व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन से? कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट यू नीड द अप्रूवल ऑफ constituent assembly if you want to make it inoperative or modify that article, you need the recommendation of Jammu and Kashmir constituent assembly, but it is not in existence, it's not a permanent body. So ye case abhi bhi supreme court is hearing this case, ye aaj hai ya aage bhi current affairs mein rahega. So these are, there are some things which will stay in news. Bhima Koregaon bhi 2018 se news mein, aaj bhi news mein, this also will go on in news. So these are things which you should know about, and you should know what are the future developments which will take place. So you have to keep track of it.